फ्रेंड्स फाइनली आज वेट ख़त्म हो गया। रियलमी 11 5G एंड रियलमी 11X लॉन्च हो चुका है इंडिया में। प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था प्राइस। आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं पूरी इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। आप ये वर्थ फॉर मनी वैल्यू है। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले देखो, इसमें 6.72 इंच की फुल एचडी वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, ठीक है। कैमरे की बात किया जाए तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल रियलमी इसका और रियलमी एक्स का 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बैक कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, 64 आपको रियलमी एक्स का देखने को मिलेगा। बैटरी 5000 mAh की देखने को मिलने वाली है। 67 वाट फास्ट चार्जिंग आपको रियलमी 5G में देखने को मिलेगी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको उसमें देखने को मिलेगा। 6100 डायमेंसिटी प्रोसेसर आपको देखने वाली है आपको। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं है यार, मोबाइल लेना मतलब सही बताऊँ तो वैल्यू फॉर नॉट मनी है। आप कोई और इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी मोबाइल दिख जाएगी। आपका बजट 15,000 के अंदर है तो आप रेडमी 12 5G लीजिए। अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो वहाँ पे वीवो T2 और रियलमी 10 प्रो, इतने सारे फोन्स अवेलेबल है वहाँ पे। बहुत सारे अच्छे मोबाइल आपको मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में। कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार, अंतुतु स्कोर 3,41,000 आता है, जो कि पोको M6 Pro अभी लेटेस्ट जो 10,000 का लॉन्च हुआ है उससे भी कम है। तो यार आपकी क्या राय है आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये मेरी अपनी राय है, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ इस मोबाइल को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।